दिफा के लिए हाजिर हैं, मुल्क की सलामती को यकीनी बनाएंगे, चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक अफगान सरहद पर अगले मोर्चों का दौरा, ईद का दिन जवानों के साथ गुजारा, ऑपरेशनल तैयारियों और सरहदी तहफ्फुज़ के लिए मौसर इकदामात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई गई। शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए, दिन भर कुर्बानी का सिलसिला चलता रहा, फिर पार्टियों का दौर चल पड़ा। सुबह सवेरे कलेजी से नाश्ता, फिर कबाब, बिरयानी, पुलाव, कोरमा और कढ़ाई का दौर चला। सूरज ढलते ही बारबेक्यू पार्टियां सज गई। मज़ेदार और चटपटे खानों की महक और जायके ने चटोरों की ईद का मजा दोबाला कर दिया। कराची में कुर्बानी के जानवर के साथ जुल्म, भैंसा बिफरा, रस्सियां तोड़कर भाग निकला। दो घंटे तक शहरियों की दौड़े लगवाता रहा। भैंसा काबू में ना आया तो सोसाइटी के गार्ड्स ने फायरिंग कर दी। कुर्बानी के जानवर को 20 गोलियां मारी गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड समेत 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। बाजोड़ के राहगान डैम में सैर व तफरी के लिए आने वाले सयाहों की कश्ती डूब गई। मदद के लिए जाने वाली कश्ती भी ओवरलोडिंग के बायस डूब गई। 4 अफराद जा बहक, 10 को बचा लिया गया। और कराची के साहिल पर कंटेनर से लदा बहरी जहाज फंस गया। केपीटी हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज को रेस्क्यू करने के लिए टीमें काम कर रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पर फंसे बहरी जहाज को देखने पहुंची। पुलिस अहलकारों ने मुंतशिर कर दिया।